दोस्तों आज जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ मारुति जिम्नी के बारे में। हाँ, जिम्नी का वीडियो जो है बहुत सारा है यूट्यूब में, पर अभी अगर आप जिम्नी का बात करेंगे ना तो भाई पूरा खेल ही मारुति ने बदल दिया है भाई। ईयर एंड आते आते उन्होंने कुछ ऐसा ऑफर लेके आया है ना जो सुन के आप भी पागल हो जाओगे। मतलब मैंने आज तक मारुति के हिस्ट्री में कभी भी इतना तगड़ा वाला डिस्काउंट नहीं देखा जो अभी मारुति जिम्नी में मिलेगा। तो भाई आज के वीडियो में बात करेंगे वही सब चीज़ों को लेके, भाई कितना डिस्काउंट है, कौन सा वेरियंट है, कौन सा गाड़ी है, कौन सा कलर है, और हाँ क्या क्या आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा इस जिम्नी के साथ। तो मैं हूँ देव, आप देख रहे बताएंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जो है मैं दिखा दूं आपको, हमारे पास आज ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा येलो कलर में गाड़ी है। येलो तो कलर मुझे लग रहा है, पर इसको मारुति येलो नहीं कहते हैं। पर एक चीज़ बता दें, ये जो वेरिएंट है हमारे पास ये है अल्फा वेरिएंट, मतलब जिम्नी का जो है सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। अब जिम्नी को लेकर थोड़ा सा हिस्ट्री भी आपको बताना चाहिए। देखिए जिम्नी जो है इंटरनेशनली ये थर्ड जनरेशन है, और हमारे पास जो इसके पहले वाला आता था जिसे हम बहुत प्यार से जानते हैं जिप्सी, हाँ जिप्सी जो है इंटरनेशनल मार्केट में था, बहुत दिनों से उसका कोई भी अपडेट नहीं आया। फाइनली मारुति ने ये वाला गाड़ी हमारे लिए लेके आए हैं इंडिया में। अब ये जो है इंडिया में फिलहाल बिकने वाला सबसे सस्ता फोर व्हील ड्राइव व्हीकल है। अब सस्ता मैंने इसीलिए कहा कि भाई इसका जो प्राइस है ना, आप सुनोगे तो आप खुद पागल हो जाओगे भाई, 10,70,000 एक शोरूम प्राइस में आपको फोर व्हील ड्राइव मिलने वाला है, और वो भी ऑटोमेटिक वाला फोर व्हील ड्राइव नहीं। इसमें जो है एक डिफरेंट ट्रांसफर केस दिया हुआ है, साथ में उनको लीवर मिल जाएगा फोर व्हील ड्राइव एंगेज करने के लिए या फिर डिस एंगेज करने के लिए। तो उसी हिसाब से भाई मेरे लिए ये वाला गाड़ी बहुत ज़्यादा सही है अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हो। साथ ही में इसका जो वजन है वो भी काफ़ी हल्का है, तो भाई कुल मिला के अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हो तो आपके घर में ये गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। इसका एक राइवल भी है, पर राइवल को लेकर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि भाई वो ऑलरेडी एक ओवरवेट गाड़ी है। ये गाड़ी सबसे ज़्यादा हल्का है इस सेगमेंट में, मतलब फोर व्हील ड्राइव में ये सबसे ज़्यादा हल्का गाड़ी है, और इसका साइज़ भी काफ़ी छोटा है। तो मैं स्टार्ट करके बता दूं आपको भाई क्या आपको एक्स्ट्रा है इस वीडियो में। तो देखिए बता दें कि ये जो है जिम्नी का नॉर्मल वेरियंट नहीं है, हाँ ये नॉर्मल वेरियंट नहीं है, भला ये अल्फा है पर ये नॉर्मल नहीं है, यह है इसका थंडर एडिशन। थंडर एडिशन के अंडर जो है, पहली बात तो है अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो आपको एक तगड़ा डिस्काउंट आने वाला है, साथ में आपको एक्सेसरीज भी मिलने वाला है मारुति की ही तरफ से। तो मैं दिखा दूंगा क्या एक्सेसरीज आने वाला है, पहले तो बता दें। देखिए यहाँ पे ये जो आपको फिनिशिंग देख रहे हैं ना, भला ये प्लास्टिक में ही है पर ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आपको जो फ्रंट स्किड प्लेट मिल रहा है, साथ में यहाँ पे बम्पर में भी आपको अलग सा डिजाइन मिलने वाला है। ऊपर की तरफ बात करें, यहाँ पे आपको 3D एम्बलम मिल रहा है, मतलब एम्बलम तो नहीं, चलिए 3D एक स्टिकर मिलेगा जो अक्रॉस द कार आपका रन करेगा। देखिए पीछे भी आपको मिल जाएगा यही वाला स्टिकर, साथ ही में इसके ऊपर भी अलग सा दो चीज़ आने वाला है, मतलब यही पैंट डिज़ाइन का यहाँ पे दो और इंसर्ट आने वाला है। फिलहाल वो लगा हुआ नहीं है क्योंकि ये गाड़ी जो कंप्लीट किट आउट नहीं है, पर अगर जब आप लेने आओगे आपको पूरा किट आउट गाड़ी ही देंगे मारुति वाले, वहीं पे कोई कंजूसी नहीं करेंगे वो लोग। साइड पे आ जाते हैं, देखिए टायर दिखा दें आपको, ठीक है टायर पे कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे पहले एलॉय आता था बिल्कुल वैसा ही है। और मैं बात करूँ इसका सेक्शन को लेकर, तो भाई ये जो है 15 इंच का टायर आने वाला है, यहाँ पर आप देख लीजिए 165/80R15, तो भाई 15 इंच का है, पर एलॉय का डिज़ाइन जो है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगता है ये वाला डिज़ाइन। पीछे आता था दिखा दे आपको, और चीज़ बता भी दे आपको, देखिए यहाँ पे जो आप रेयरव्यू मिरर देख रहे हैं इसके ऊपर भी एक कवर आएगा अंडर थंडर एडिशन। पीछे यहाँ पे देख लीजिए डोर के ऊपर जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको, जिसमें भी जिम्नी का ब्रांडिंग प्रॉपरली किया हुआ है। साथ में यहाँ पे जो है जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, पर इसके ऊपर यहाँ पे जो रनिंग बोर्ड दिया है ये नॉर्मल ही आता है, इसमें अलग सा कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो है जिम्नी लिखा हुआ है अगर आप ये वाला विनाइल स्टिकर लेते हो। दूसरा भी आपको है अगर जिसमें थंडर एडिशन लिखा हुआ है, वो तो पूरा भाई पूरा गाड़ी ही कवर कर देगा। मैं देखा था थंडर एडिशन का स्टिकर, पर इस गाड़ी में वो किट आउट नहीं है। ऊपर की तरफ बात करें, यहाँ पे आपको रेन वाइजर मिल जाएगा, और ये वाइजर जो है ये आपका किट में ही आने वाला है, तो ये भी अच्छा चीज़ दिया है उन्होंने। पीछे आता था देखिए, पीछे का जो टायर है बता दें, यहाँ पे आपको डम ब्रेक मिलने वाला है, और सामने जो है आपको डिस्क ब्रेक आ जाएगा। पीछे आते आते और ज़्यादा चेंजेस नहीं है, पर हाँ जैसे मैंने फ्रंट पे बम्पर पे दिखाया था आपको, वैसे ही आपको कुछ यहाँ पे कॉर्नर पे भी मिल जाएगा, और पीछे का बम्पर में भी आपको एक किट आउट मिल जाएगा। पीछे बात कर ले, यहाँ पे ये जो खूबसूरत सा कवर देख रहे हैं आप टायर पे, पर अफसोस है मुझे इसी बात का कि ये कवर जो है वो किट पे नहीं आता, मतलब थंडर किट पे ये कवर नहीं आता। ये कवर आपको अलग से खरीदना है, और इसका थोड़ा सा मोटा पैसा मांग रहे हैं मारुति वाले। और बात करें पीछे जो है सब कुछ सेम ही है, ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं है नॉर्मल जिम्नी के कंपेरिजन में। अगर मैं इसको ओपन करके भी दिखाऊँ तो
कुछ ऐसा ओपन होता है, देखने से तो लगता है भाई ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है, पर नहीं, ये हाइड्रोलिक का मजे है जो आपको मिल जाएगा। और ये काफी अच्छा वाइड ओपन होता है तो अंदर भी काफी अच्छा जगह दिया गया है। अब हमें सबको पता है कि जिम्नी जो है भाई वो 4 सीटर गाड़ी है, भाई 5 सीटर किसी भी एंगल से नहीं, मानो खुद भी नहीं कहता है 5 सीटर, तो उसके हिसाब से जितना जगह है भाई काफी अच्छा जगह है। अब 4 लोगों का सामान जो है काफी अच्छे से आ जाएगा अंदर, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। साथ ही में यहाँ पे आपको एक लाइट भी मिल जाएगा, तो रात के अंधेरे में सामान डालना या फिर उतरने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नीचे यहाँ पे देख लीजिए आपको एक USB भी मिल जाएगा, तो उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको जो है इन्फ्लेटर किट लेना है तो वो भी आप यहाँ से पावर कर पाओगे। और आ जाते हैं अभी साइड में दिखाते हैं वहाँ पे क्या है। तो देखिए ये बंद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, बस इसको हल्का सा पुश करना है और ये बंद हो जाएगा। और हाँ एक चीज़ बता दें, यहाँ पे जो है आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाएगा, तो भाई ये एक बड़ा अच्छा चीज़ है। दरवाज़ा ओपन या क्लोज करने टाइम लॉक में आपको चाबी का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको इसी से काम बन जाएगा। और यहाँ पे जिमनी भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मतलब जिमनी का जो फ्रंट इस्तेमाल किया गया है ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रंट है बाकी सारी मारुति के प्रोडक्ट से, तो ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी जो मैं आपको रियर सीट भी चेकआउट करवा दूँ, देखिए दरवाज़ा जो है काफ़ी वाइड ओपन होता है और अंदर का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है सिर्फ 2 लोगों को बैठने के लिए। अंदर जो अगर आप देखेंगे ना तो आपको जो है 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा, साथ ही में जो है आपको सीट बेल्ट भी मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है लेदर सीट नहीं आने वाला, यहाँ पे जो है फैब्रिक बेस्ड ही सीट आने वाला है। हाँ भाई जिमनी में जो है आपको फैब्रिक बेस्ड ही सीट आने वाला है, लेदर तो भाई नहीं मिलने वाला है। भलाई आप जो है इसका टॉप एंड मॉडल ही ले लो, आपको जो है फैब्रिक ही से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और बात करें इंटीरियर पे, काफ़ी अच्छा स्पेस है, 4 लोगों के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा जिमनी का भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे ग्लास जो है ना इस पर हल्का सा एक ग्रीनिश टिंट आपको दिखेगा भाई, ये टिंट जो है ना ये फैक्ट्री फिटेड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है जैसे अल्फा मॉडल है इसमें आपको यूवी कट ग्लासेस हर एक ग्लास में मिलेगा, मतलब जहां पे भी आपको ग्लास दिख रहा है बॉडी में हर एक ग्लास जो है यूवी कट ग्लास है, तो धूप से भी आपको काफी अच्छा बचाने वाला है और आपको अलग से जो है फिल्म लगाने का कोई भी जरूरत ही नहीं है। अब आ जाते हैं ड्राइवर सीट पे, तो दिखा देखिए ड्राइवर साइड पे भी आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे की का ऑप्शन भी है, अगर की का बैटरी डाउन हो गया तो चाबी से भी आप दरवाजा खोल सकते हो। अंदर ओपन करने के बाद एक चीज का जो मुझे नहीं भाई पूरे दुनिया को कंप्लेन है भाई, यहाँ पे इस जगह पे क्या रखने वाले हो, इसमें जो है पानी का बोतल तक नहीं आएगा। तो पूरा गाड़ी में जो है ये लोग जब बनाए थे गाड़ी शायद पानी रखने का बोतल रखने का जगह ही भूल गए थे, तो दिया ही नहीं क्योंकि वो भाई नहीं है। हाँ इंटीरियर पे 1-2 बोतल मिल जाए आपको, बस उतना ही जगह है। अब बात करें यहाँ पे जो है आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको विंडो अप डाउन करने का भी बटन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भाई वो सब बटन जो है इंटरनली दिया गया है, बाहर कहीं पे भी आपको ये सब बटन नहीं मिलने वाला है। और मैं अगर इंटीरियर पे बैठ के बताऊं तो देखिए एक चीज़ है कि अगर थंडर एडिशन आप ले रहे हो तो यहाँ पे जो है आपको एक 3D मैट मिल जाएगा। हाँ 3D मैट मिल जाएगा, साइड में यहाँ पे जो है सिल गार्ड में आपको जिमनी लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ये सब जो है किट में ही इंक्लूडेड है, तो भाई उसमें भी आपको काफ़ी ऐसा पैसा बचने वाला है आपका। यहाँ पे देख लीजिए स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है और साथ ही में जो है आउटसाइड रियरव्यू मिरर को एडजस्ट या फिर फोल्ड करने का बटन यहाँ पे मिल जाएगा। आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, साथ में जो है वॉश एंड वाइपर के लिए है। पर यहाँ पे एक चीज स्पेशल है, आप थोड़ा पास आओ दिखा दें आपको, ये वाला जो बटन देख रहे हैं ना ये वाला, इससे जो है वॉश एंड वाइपर जो है ये मिरर का नहीं है, ये है आपका सामने का हेडलाइट का। हाँ हेडलाइट में आपको वॉश एंड वाइपर दिया गया है इसी गाड़ी के साथ, तो उसका कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएगा। वो साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो हेडलाइट एडजस्टमेंट करने का बटन भी मिल जाएगा। साथ में जैसे ये अल्फा वेरिएंट है, लेदर कवरिंग पूरा दिया गया है स्टीयरिंग के ऊपर। अब जैसे आप अगर थंडर एडिशन लेते हो तो आपको इसको जो है ब्लैक के जगह पे टैन करने का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। और एक चीज पे टैन है जो मुझे डाउट है, पर लग रहा है कि ये वाला जो प्लास्टिक का पैनल है ना ये आपका टैन आने वाला है। साथ में यहाँ पे जो हैंडल दिया गया है उसमें आपको 10 ऑप्शन मिल जाएगा, पर फिलहाल उसका मुझे गारंटी नहीं है तो मैं बताऊंगा नहीं एग्जैक्टली वही मिलने वाला है। और एक चीज़ बता दें, अंदर आप देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो भी किट उन्होंने दिया है अंदर तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको तो भाई देख लीजिए, आपको एक 9 इंच का म्यूजिक सिस्टम आने वाला है, साथ में यहाँ पे जो है ऑटो AC भी मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है सामने का जो 2 विंडो है उसको ऑपरेट करने के लिए हिल लिसन कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाएगा। नीचे यहाँ पे USB दिया हुआ है, साथ में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आपको मिल जाएगा यहीं पे। और बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको छोटा सा एक पॉकेट मिल जाएगा, 5 स्पीड का गियरबॉक्स है वो है। साथ ही में मैंने बताया था कि आपको इस गाड़ी के साथ ट्रांसफर केस मिलेगा, तो ट्रांसफर केस को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे लीवर दिया गया है, और कुछ यहाँ पे नहीं है। पर हाँ यहाँ पे बटन दिया गया है, पीछे जो विंडो है उसको ऑपरेट करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिल जाएगा। और पूरे गाड़ी में जहाँ तक मैंने देखा था एक लौता पानी रखने का जो है जगह यहाँ पे 2 दिया गया है, बस आप इतना ही रख सकते हो पानी। साथ में बता दें ग्लव बॉक्स के लिए दिखाते हैं, ग्लव बॉक्स जो है एकदम चिंटू मिंटू साइज का एक ग्लव बॉक्स दिया गया है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो मिरर दिया गया है, पर मिरर जो है इसको मैनुअली आपको डे नाइट करना है। यहाँ पे देखेंगे आपको स्पीडोमीटर दिया गया है, उस तरफ देखेंगे आपको टैकोमीटर
कर दिया गया, बीच में जो है MID है और ये जो है डिजिटल MID है, तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। फिलहाल गाड़ी जो है बंद है क्योंकि ये शोरूम के अंदर है, इसलिए मैं चला के आपको दिखा नहीं पाया। पर स्टीयरिंग में बता दें, यहाँ इस तरफ देखेंगे जितना भी आपका ऑडियो कंट्रोल है वो मिल जाएगा, यहाँ पे जो है सारा टेलीफोनिक कंट्रोल है और इस तरफ देखेंगे आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पे देखेंगे आपको ऑटो हेडलाइट का ऑप्शन दिया गया है, साथ ही में यहाँ पे जो है वाइपर का कंट्रोल भी दिया गया है, पर वाइपर जो है ऑटो नहीं आता इसमें। तो अभी जो इंटीरियर में जितना कुछ था मैंने सब आपको बता दिया और साथ ही में जो है आपको थंडर किट में क्या क्या मिलने वाला है वो भी आपको चेकआउट करवा दिया। अभी चलिए बाहर आके इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन के लिए एक चीज बता दें, देखिए मेरे हिसाब से थंडर किट में जो भी चीजें मिल रहे हैं ना, काफी अच्छा डील है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं प्राइस को लेकर। तो देखिए, अगर आप जिम्नी का ये वाला वेरिएंट नहीं है, ये अल्फा वेरिएंट, अगर आप जीटा वेरिएंट पे जाते हैं तो उसका एक शोरूम प्राइस है वो है 10,70,000 रुपए, मतलब करीब 2,00,000 रुपए का आपको सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही में अगर आप इसका जो ये किट है ना, मैंने किट दिखाया, अगर ये किट आप नहीं लेते हो, आप चाहते हो कि इस किट के जगह पे आपको कैश डिस्काउंट मिल जाए, तो भाई आपको कुछ 18,000 का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। पर अगर ये अगर किट अगर आप लेते हो तो भाई 25,000 का वो डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा। वो है जिम्नी का, अगर आप जीटा वेरिएंट लेते हो तो जीटा वेरिएंट पे आपको कुल मिला के 2,00,000 रुपये का डिस्काउंट, साथ ही में जो है 25,000 रुपये का अगर आप किट लेते हो, अगर आप किट नहीं लेते हो तो 18,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मतलब आपका गाड़ी का जो वैल्यू है वो कुछ 2,25,000 आपको सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप जीटा लेते हो। पर अगर आप अल्फा वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको 1,00,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही में किट के लिए अगर आप किट लेते हो तो 25,000 का, अगर किट नहीं लेते हो तो 18,000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई मेरे हिसाब से जिम्नी का अभी ये जो प्राइस बन रहा है ना, ये बड़ा सही प्राइस है, क्योंकि भाई इंडिया में पहली बात तो है ये सबसे लाइटेस्ट फोर व्हील ड्राइव है, साथ ही में इसका जो ट्रांसफर केस है वो भी काफी अच्छा है। मारुति का रिलायबिलिटी को लेकर तो सवाल है ही नहीं भाई, अब कहीं भी जाओ आपको मारुति का सर्विस स्टेशन मिल ही जाएगा, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। और बात करें इसका प्राइस को लेकर, अभी जो प्राइस बन गया है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो जिम्नी खरीदने के लिए इंतजार कर रहे थे भाई कब इसका प्राइस में एक तगड़ा डिस्काउंट आने वाला है, क्योंकि ये डिस्काउंट अभी आ चुका है। जितना हमें पता है भाई, ये डिस्काउंट जो है दिसंबर तक ही है, मतलब 31 दिसंबर के पहले अगर आप खरीदते हो तो ही ये डिस्काउंट मिल जाएगा आपको अभी तक। इसके बाद अगर मारुति इसको एक्सटेंड करना चाहे तो भाई और क्या कहना है भाई, एक्सटेंड करो इसको, क्योंकि ये इसका बड़ा सही प्राइस है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहिए। अगर गाड़ी चले तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए, बाइक चले तो हेलमेट जरूर पहनिए। सेफ रहिए, अगले वीडियो तक, थैंक यू।